दोस्तों, अगर आप फेडरल बैंक से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मैंने अभी चेक किया, चेक करने में मुझे पता चला कि वहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट आएगा करीब 14 से 15% के आसपास आ रहा है। मैं यहाँ पे सारा कुछ प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला भी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बातें और बता देना चाहता हूँ। अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है जब भी आप लोन लीजिए, नहीं तो बिल्कुल मत लीजिए। और मैंने कई सारे बैंकों से लोन लेकर ऑलरेडी पहले आपको दिखाया हुआ, चाहे वो IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, फिर आपके इसके साथ साथ एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, इसके साथ साथ मैंने क्रेडिट एप्लीकेशन से, पेटीएम एप्लीकेशन से काफ़ी सारा मैंने इंस्टेंट पर्सनल लोन लेकर लाइव प्रूफ के साथ दिखाया हुआ। उन सभी वीडियो को भी अगर आप देख सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप वहाँ से भी शायद लोन ले सकें, अगर यहां से आप एलिजिबल ना हो तो उसके लिए, ठीक है। और चलिए मैं आपको यहां पर प्रैक्टिकल दिखा देता हूं कि क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। इसके लिए दोस्तों हम चलते हैं फेडरल बैंक की एप्लीकेशन में। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट शो हो रहा है, यानी कि आपका अगर बैंक अकाउंट है तो आपको बैंक अकाउंट के जरिए आपको अपनी एप्लीकेशन यूज करने को मिलेगा। नीचे आपको लोन्स का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर सिंपल सा आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए आपको दिखा दिया था अगर आप एलिजिबल होंगे। एलिजिबल भी कब होंगे आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है, पहली चीज़ ये है। दूसरी बात यह है कि आप इसे कंटिन्यू यूज करते हैं, आप रेगुलर कस्टमर हैं इनके, तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट पर्सनल लोन का ऑफर दे दिया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर ओवरव्यू देख सकते हैं आप, जैसा कि अभी यहाँ पर हमें दिखाया गया है। इसके बगल में आप देख लीजिए आपको माई लोन्स का ऑप्शन मिलता है। माई लोन्स का ऑप्शन ये हो गया कि आपने इससे पहले जितने भी लोन अप्लाई किए होंगे आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आपको ये मिल जाता है लोन रिक्वेस्ट का, यानी कि आपने अभी लोन के लिए रिक्वेस्ट डाला हुआ है तो आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं क्या स्टेटस है उसका, ठीक है। फिलहाल अभी हमें यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4,93,168 रुपये के लिए हम लोन के लिए एलिजिबल हैं, मतलब इतने लोन हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफर हमारे लिए 15/7/2022 तक के लिए, ठीक है, हमें उससे पहले यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। इसके लिए दोस्तों सिंपल से हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अमाउंट को एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है कि आप कितना अमाउंट लेना चाहते हैं। जो आपको ज़्यादा ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा वो आपको ये मिलेगा। अब इससे कम करना चाहें तो आप यहाँ पे जाके कम कर सकते हैं, और कितने महीने के लिए लेना चाहते हैं आप उस महीनों को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। 12, 24, 36, 48 मैक्सिमम आप 48 महीने के लिए ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, ओवरऑल हमें 1,00,000 रुपये लेना है। हम 1,00,000 रुपये के लिए यहाँ पर ट्राई करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि 1,00,000 रुपये में हमें इससे इंटरेस्ट कितना लिया जाएगा। और दोस्तों एक बात आप और ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप यहाँ से एप्लीकेशन से अप्लाई करते हैं, हो सकता है कि आपको यहाँ पर एरर आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आपके SMS अगर आप एलिजिबल होते हैं ना जैसे लोन के लिए, तो आपको SMS से भी SMS दिया जाता है, उसमें बताया जाता है कि आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कभी प्रॉब्लम हो एप्लीकेशन से अप्लाई करने में तो आप लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं वेबसाइट पे, यानी कि वेबसाइट रीडायरेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएंगे, वहाँ पर भी जाके आप कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप जैसे इसको एंटर करेंगे, सारा कुछ आपके साथ रिपीट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनली हमने 1,00,000 रुपये के लिए 12 महीने के लिए अप्लाई किया, तो यहाँ पर हमें फाइनल पेज पे ये दिखाया जा रहा है कि जो भी आपका नाम होगा, जो बैंक अकाउंट वो आपका नाम शो कर दिया जाएगा, कस्टमर आईडी आपकी शो कर दी जाएगी, यानी आपका बैंक अकाउंट एक कस्टमर आईडी तो होती है वो यहाँ पे शो कर दिया गया, आपने कितने लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो वो दिखा दिया गया है, 12 महीने के लिए आपने अप्लाई किया है या 24 का जितना वो भी दिखा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब ये बात कर लेते हैं कि आप इनको हर महीने कितने की EMI पे करते हैं अगर आप 1,00,000 रुपये का लोन लेते हैं 12 महीनों के लिए। जैसा कि EMI यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि हर महीने आप 8,991 रुपये हर महीने की EMI आएगी 12 महीने तक। अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से इस अमाउंट को, तो आप टोटल पे कर रहे हैं 1,07,892 रुपये टोटल पे करेंगे इनको 12 महीनों में, ठीक है। और नीचे अगर आप देखेंगे जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह दिखाई गई वो 2,360 रुपये दिखाई गई है। वहीं बात करते हैं अगर आप इस महीने में लेते हैं तो आपको अगले महीने से EMI स्टार्ट होगी। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट जो लगेगा आपको यहाँ पे 858 रुपये दिखाया गया है। और जो आपको अमाउंट जैसे कि हमने 1,00,000 रुपये के लिए अप्लाई किया है, तो आपके जो बैंक अकाउंट में जितना अमाउंट आएगा वो आएगा यहाँ पे 96,782 रुपये। तो आप इस तरीके से वो कैलकुलेशन भी करके देख सकते हो कि अगर आपने 1,00,000 रुपये यानी टोटल आप इनको 1,07,892 रुपये पे कर रहे हो, उसमें से आप माइनस कर दो 96,782 रुपये, तो आपका जो निकलता है आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं स्क्रीन शो भी कर देता हूँ, अब आपको पता चल जाएगा आप इतना एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 12 महीनों में, ठीक है। नीचे देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर शो कर रहा है, अकाउंट नंबर ये वही है जो हमारा फेडरल बैंक में हमारा अकाउंट ओपन हुआ है, वही अकाउंट नंबर हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। सो दोस्तों मैं अब आपको एक बहुत जरूरी बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक OTP डालने के बाद बैंक अकाउंट में सीधा पैसा आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो प्रोसेस होता है वो KYC होता है। लेकिन अगर आपके पास इंस्टेंट पर्सनल लोन का ऑफर आता है तो आप वहाँ को वहाँ पे KYC करने की जरूरत नहीं होती अगर आपका बैंक अकाउंट के थ्रू आता है। जैसे कि मेरे केस में इससे पहले था बैंक ऑफ बड़ौदा का, बैंक ऑफ बड़ौदा का मेरे पास बैंक अकाउंट था, इंस्टेंट पर्सनल लोन का ऑफर आया, OTP डाला, मैंने बैंक अकाउंट में मेरा पैसा आ गया, ठीक है। क्योंकि आपको KYC करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका ऑलरेडी सारी डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास ऑलरेडी पहले से रहता है और बैंक के साथ आपका अच्छा रिलेशन होता है, इसीलिए इंस्टेंट पर्सनल लोन का ऑफर भी बैंक आपको देती है। एक OTP डालने के बाद ये अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में आ जाए, सेम बैंक ऑफ बड़ौदा
का लोन की तरह, ठीक है। अभी मेरे को लोन नहीं लेना है, लेकिन पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिखाना था। अगर आपका फेडरल बैंक में बैंक अकाउंट है तो प्लीज मुझे कमेंट कर बताइए आपके पास स्टैंड पर्सनल लोन का ऑफर आया हुआ नहीं आया। अगर आया हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट कर जरूर बताएंगे। और ये भी बताइएगा अगर आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं, लोन लेने के लिए इंटरेस्टेड है, तो आपके पास इंटरेस्ट कितना शो कर रहा है। हमारे पास जैसा करीब 14% के आसपास शो कर रहा है, तो आपके पास कितना शो कर रहा है ये भी कमेंट कर बताइएगा। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है और आपको लोन का ऑफर शो कर रहा है कमेंट करिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है और आप फिर भी लोन लेना चाहते हैं प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। कोई ना कोई ऑप्शन होगा, मैं उसके लिए आपके पास एक वीडियो बनाकर जरूर शेयर करना चाहूँगा कि आप कैसे किस तरीके से ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, चाहे जिनके पास फेडरल बैंक अकाउंट हो और वो लेना चाहे तो उनको इंस्टेंटली मिल जाए। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।